So yesterday what we did was we introduced weak and strong convergence, right? So weak convergence, f of xn should converge to f of x, right? Then we will say ki xn sequence jo hai wo x ko weakly converge kar rahi hai, where f was a dual space ka element, right? And strong convergence mein kya tha? We say sequence xn jo hai element x ko converge karegi if norm of xn minus x converges to zero, right? So for that, next we have a lemma which says that in a norm space x, we have xn converges to x weakly if and only if, right? So kab kab hoga? If the sequence is bounded sequence of norm x subset m, we have f of xn converges to f of x, right? So we can say ki xn sequence jo hai x ko converge karegi weakly kab? First thing is ye sequence of norms jo hai norm of xn sequence ye bounded honi chahiye. Second, har ek total subset, for every element of a total subset, ek total subset jo m ka hoga, x ka hoga, total subset ko humne denote kiya m se, agar uske har ek element ke liye f of x and f of x pe converge kar raha hai, then we will say ki sequence jo hai converge kar rahi hai, right? So now that for the proof, let us suppose for the xn sequence jo hai wo x ko converge kar rahi hai, right? Then what we can say is, last class में हमने लेमा किया था कि अगर वीक कन्वर्जेंस है तो देन सीक्वेंस इज बाउंडेड, राइट? सो ये तो अबव लेमा से डायरेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट. टू प्रूव द बी पार्ट, व्हाट वी हैव इज, हमें क्या प्रूव करना है कि टोटल सबसेट के हर एक एलिमेंट के लिए कन्वर्जेंस होल्ड करते हैं, राइट? सो बाय डेफिनेशन हम अज्यूम करके क्या चले हैं कि xn जो है कन्वर्ज कर रहा है वीकली टू x, राइट? एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दैट इंप्लाइज f ऑफ xn शुड कन्वर्ज टू f ऑफ x फॉर एवरी f बिलोंगिंग्स टू x डैश, करेक्ट? नाउ हमें क्या चाहिए था, एक टोटल सबसेट के ऊपर ऑफ x डैश, राइट? सो हमने लिया m एक अगर टोटल सबसेट है x डैश का. नाउ ये सिंस हर एक फंक्शनल के लिए होल्ड कर रहा था x डैश की, तो टोटल उसके सबसेट के भी एक ऊपर होल्ड करेगा, राइट? सो देयरफॉर इन पर्टिकुलर f ऑफ xn कन्वर्जेस टू f ऑफ x फॉर एवरी f बिलोंगिंग्स टू m, वेयर m इज अ सबसेट ऑफ x डैश, राइट? सो किसी भी सबसेट के लिए होल्ड करेगा तो ये टोटल सबसेट के लिए भी होल्ड करेगा, क्लियर है? तो फर्स्ट वे वाज डायरेक्ट प्रूव द सेकंड वे. अब सेकंड वे प्रूव करने के लिए व्हाट वी नीड इज, लेट अस सपोज कि ए एंड बी होल्ड कर रहे हैं, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ नॉर्म्स इज बाउंडेड एंड टोटल सबसेट के ऊपर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, देन वी विल से कि xn कन्वर्ज करता है x को वीकली. सो फॉर दैट लेट अस सपोज दैट कि ए एंड बी होल्ड कर रहे हैं, देन ए क्या कहता है, सीक्वेंस ऑफ नॉर्म्स ऑफ xn इज बाउंडेड, राइट? एंड इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नॉर्म ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल्स टू सी फॉर एवरी एन, राइट? नाउ नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू सी जब यहां से आया, दैट वुड इंप्लाई कि नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन सी. हाउ? नाउ सी, उसके लिए व्हाट वी डू इज वी कंसीडर मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स, राइट? मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन, राइट? एंड मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स एन बाय श्योर्स एन इक्वालिटी, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ इनटू नॉर्म ऑफ एक्स एन, क्लियर? तो दैट मींस यहां से अगर हम नॉर्म ऑफ एफ से डिवाइड कर देते हैं तो व्हाट वी वुड हैव इज मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स एन, राइट? एंड लिमिट एक्स एन क्या है, एक्स, राइट? सो व्हाट वी हैव इज लिमिट एक्स इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू सी. सो ये इससे इम्प्लाई हो गया, एंड सिंस ये एफ यहाँ पे आर्बिट्री था, ये हर एक एक्सन के लिए होल्ड कर जाएगा, सो देयरफॉर नॉर्म ऑफ एक्सन लेस देन इक्वल्स टू सी फॉर एवरी एन वुड इम्प्लाई कि द नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सी, करेक्ट? सो सीक्वेंस बाउंडेड से क्या आ गया कि नॉर्म ऑफ एक्स भी लेस देन इक्वल्स टू सी है एंड नॉर्म ऑफ एक्सन भी लेस देन इक्वल्स टू सी है. नाउ सिंस नाउ वी यूज द एम टोटल है एक्स डैश में, राइट? सेकंड प्रूव, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि हर एक टोटल सबसेट के लिए कन्वर्जेंस होल्ड कर रही है, राइट? सो वी यूज दैट कि लेट अस सपोज कि m जो है टोटल सबसेट है x डैश का, देन दैट वुड इंप्लाई कि स्पैन ऑफ m क्लोजर इज इक्वल्स टू x डैश, राइट? डेफिनेशन ऑफ टोटल सेट, इफ m इज टोटल इन x डैश देन दैट वुड इंप्लाई स्पैन ऑफ m क्लोजर इज इक्वल्स टू x डैश. नाउ
एंड दैट वुड इम्प्लाई फॉर एवरी एफ बिलोंगिंग्स टू एक्स डैश. अगर एफ एक्स में है देन दैट मींस एफ जो है स्पैम ऑफ एफ क्लोजर में भी है, राइट? एंड किसी सेट के क्लोजर में एक एलिमेंट होने से व्हाट वी हैव इज बाय डेफिनेशन दैट देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एफ जे इन स्पैन ऑफ एम सच दैट एफ जे कन्वर्जेस टू एफ बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर, राइट? सो देयरफॉर फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो. Now, ये convergence hold करने, FJ converges to F, that would mean कि for any epsilon greater than zero, we can find a J such that norm of FJ minus F is less than epsilon by 3C, इसकी definition से, convergence की definition से, right? So, M total in X, that would imply कि हमारे पास एक ऐसा function जाएगा such that ये sequence जो है converge कर रही है उस function के ऊपर, clear? Now, definition is कि नॉफ जे माइनस एफ शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 3C. अबे 3C का यूज क्यों किया है ये आगे समझ आएगा. नाउ अगेन बाय यूजिंग कि एफ जे जो है एलिमेंट था स्पैन ऑफ एम का, अभी जब हमने डेफिनेशन लगाई थी वी हैव एफ जे इन सीक्वेंस जो है वो स्पैन एम में थी, दैट मीन्स एफ जे इज इन स्पैन एम, राइट? तो अगर एफ जे जो है स्पैन ऑफ एम में है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन बी, बाय जो भी हमने हाइपोथेसिस अज्यूम करी थी, there would exist an n such that fj of xn would converge to fj of x, right? Because b hypothesis kya thi, for every element f of the total subset we have f of xn converges to f of x, right? And fj span of m mein hai, right? So fj jo hai element hai uska, so therefore fj jo hai f ko converge karega, fj of xn should converge to fj of x, right? So by using b we have this inequality also, right? So now we consider, हमें prove क्या करना है कि f of x n जो है f of x को converge कर रहा है, right? So we consider mod of f of x n minus f of x, right? So that would be adding and subtracting fj of x n, fj of x, right? So first term से is triangular inequality लगा के this would be less than equals to f of x n minus fj of x n, fj x n minus fj x and fj x minus f x. क्लियर? सो फर्स्ट वाली जो चीजें आएंगी, ये वाली जो इनइक्वालिटी, फर्स्ट वाली जो टर्म है, इसमें से एफ की लिनियरिटी को यूज करके और एक्स को, सिंस सब्ट्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट? इसकी सब देन दैट वुड इंप्लाई कि एफ माइनस एक्स एन, राइट? फर्स्ट टर्म वुड चेंज टू एफ माइनस एफ ऑफ एफ जे ऑफ एक्स एन, सिमिलरली द थर्ड टर्म वुड बी एफ जे माइनस एफ ऑफ एक्स, क्लियरली, राइट? एंड एफ जे ऑफ एक्स एन माइनस एफ जे ऑफ एक्स दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, हमने अभी प्रूफ किया ये इक्वेशन नंबर 2, 3 जो भी लिखना है इसको, राइट? सो देयरफॉर व्हाट वी हैव इज बाय शॉर्स इनइक्वालिटी, अगेन इसके ऊपर हम फिर से इनइक्वालिटी लगाएंगे, सो दिस वुड बी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ माइनस एफ जे इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन, एंड सिमिलरली थर्ड टर्म के साथ भी हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ जे माइनस एफ इंटू नॉर्म ऑफ एफ, राइट? नाउ नॉर्म ऑफ एफ माइनस एफ जे ये हमने अभी निकाला था कि नॉर्म ऑफ एफ माइनस एफ जे इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3C, राइट? सो यहाँ पे हमने 3C लिखा, एप्सिलॉन बाय 3C. नाउ नॉर्म ऑफ एक्स एन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं दैट दिस इज लेस देन इक्वल्स टू सी, एंड नॉर्म ऑफ एक्स इज आल्सो लेस देन इक्वल्स टू सी, राइट? सो इन चीजों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है सिर्फ, तो यहाँ पे सी लिखने का एक वो समझ आया, सी क्यों लिखा है, सो दैट सी से सी कैंसिल हो जाए, राइट? So therefore, epsilon by 3c into c plus epsilon by 3 plus epsilon by 3c into c. That would be less than epsilon, right? So therefore, f of xn is minus fx ka modulus is less than epsilon for all n greater than equals to n, right? And since f was arbitrary, this holds for every element of the dual space, and right? So therefore, xn converges to x weakly. Proof clear hai? Koi doubt ho to poocho. No doubt. Chalo. Then considering this, we have the next example, which says that in the space LP, LP space mein, we have xn converges to x weakly. Us space mein weak convergence kab hogi? First thing is the sequence is bounded, right? And second, what we say is for every fixed j, we have epsilon j n converges to zeta j. Sorry. zeta j n converges to zeta j as n tendings to infinity. And ye yahan pe zeta j kya hai? xn sequence hai, right? And x element hai.
सो एक्स एन जो है सीक्वेंस उसको जीटा जे एन से डिनोट कर रहे हैं एंड एक्स को जीटा जे सीक्वेंस से डिनोट कर रहे हैं. दिस इज बिलोंगिंग टू एल पी राइट. सो इसके प्रूफ के लिए वील यूज द अबव लेमा राइट. सो फर्स्ट केस तो ऑलरेडी गिवन है कि नॉर्म ऑफ एक्स एन इज बाउंडेड. सेकेंड केस के लिए हमें क्या चाहिए था कि हर एक टोटल सबसेट के सॉरी टोटल सबसेट के हर एक एलिमेंट के लिए कन्वर्जेंस होल्ड करनी चाहिए राइट. सो फॉर दैट नाउ डुअल स्पेस ऑफ एल पी इज एल क्यू पी एंड क्यूशन है 1 बाय प्लस 1 बाय क्यू इज इक्वल्स टू 1 एंड शॉर्टर बेसिस एल क्यू क्या क्या होता है ई एन राइट. सो लेट अस सपोज दैट एम इज इक्वल्स टू ई1 टू ई एन राइट. दिस बेसिस का सेट बेसिस एलिमेंट शॉर्टर बेसिस के एलिमेंट्स का सेट हमने सेट को लिया एम राइट. देन क्लियरली स्पैन ऑफ एम जो है वो डेंस होगा इन एल क्यू. वी हैव ऑलरेडी प्रूव दिस राइट. सो देयरफॉर नाउ स्पैन ऑफ एम ये टोटल सबसेट आ गया राइट. एंड इसके हमें क्या चाहिए रिजल्ट के लिए कि हर एक टोटल सबसेट के लिए अगर कन्वर्जेंस होल्ड कर रही है देन वी वुड हैव कि वी कन्वर्जेंस आ जाएगी बाय इस लेमा राइट. सो देयरफॉर यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको कि सिंस स्पैन ऑफ एम डेंस है राइट एंड एक्स एन सीक्वेंस जो है हमें ऑलरेडी बाउंडेड दी हुई है राइट एंड वी आर गिवन दैट फॉर एवरी फिक्स जे दिस होल्ड्स राइट. हर एक जे के लिए होल्ड कर रहा है एंड स्पैन ऑफ एम डेंस है दैट वुड इम्प्लाय कि ये हर एक एलिमेंट ऑफ दिस डेंस सेट के लिए होल्ड कर जाएगा राइट. सो देयरफॉर ये गिवन रिजल्ट है बाय द अबव लेमा. इसमें कुछ डायरेक्ट प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी. नेक्स्ट वी हैव एन एग्जांपल व्हिच सेज दैट इन अ हिल्बर्ट स्पेस एच वी आर गिवन हिल्बर्ट स्पेस वीक कन्वर्जेंस होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ द इनर प्रोडक्ट एक्स एन कॉमा जेड कन्वर्ज टू इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जेड फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू एच राइट. नाउ वीक कन्वर्जेंस के लिए हमें क्या चाहिए एक फंक्शनल चाहिए राइट. Functional in the dual space, right? So what we do is since f belongs to h dash, assume ki agar ek f belong kar raha hai, jo ki h dash mein hai, right? And since h ek Hilbert space hai, then every f belongs to h dash ke paas ek Ries representation hogi, right? By Ries representation theorem, and uski representation kaise hogi? F of x can be written as inner product x comma z for every f belongs to h, and f of x n is equals to inner product x n comma z इसी को use करके right when x is equals to x n है x की जगह पे so we have f of x n is equals to inner product x n comma z for every n right. now we are given कि x n converges to x weakly है right. that would imply f of x n converges to f of x है and that would imply f of x n की जगह हम substitute कर सकते हैं इसकी value inner product x n comma z and f of x is nothing but inner product x comma z right. so therefore inner product x n comma z is to inner product x comma z. one way is clear. now to prove the other way hum is steps ko directly reverse kar sakte hain right because Ries representation theorem hoti hai hold kar rahi hai for every functional in the dual space. so inner product x n comma z agar hamare paas given hai ye inner product x n comma z ko hum f of x n se denote kar sakte hain isko isse denote kar sakte hain f of x se right and since f of x and f of x pe converge kar raha hai that would imply x n converges to x weakly right. so ye dono steps ko jaise hi hum retrace kar denge we will have the converse proof also. clear hai next we have a question which says that if x n is an element if x n is an element of c a b that means continuous functions from a to b and x n converges to x weakly right and x is also an element of c a b right we have to show that x n is point wise convergent on a b and point wise convergent dikhane ka matlab kya hoga that we have to show that this sequence x n t converges for every t राइट दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कि हर एक टी के लिए ये कन्वर्ज करेगी राइट. नाउ टू प्रूव दिस हमारे पास गिवन क्या क्या है एक्स एन वीक कन्वर्ज कर रहा है जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है वो भी एक सी ए बी का फंक्शन है राइट. सो वी विल यूज दैट
नाउ सिंस एक्स एन जो है कन्वर्ज कर रहा है बी के लिए, वी वुड हैव इट एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एफ बिलोंगिंग्स टू द डुअल स्पेस, राइट. नाउ व्हाट वी डू इज वी कैन डिफाइन अ फंक्शन ऑन सी ए बी एज एफ टिल्डा फ्रॉम सी ए बी टू के. फंक्शन नहीं, फंक्शनल लिखो इसको, राइट. सो वी कैन डिफाइन अ फंक्शनल ऑन सी ए बी बाय एफ टिल्डा फ्रॉम सी ए बी टू के, राइट, बाय एफ टिल्डा ऑफ एक्स. सी ए बी का एलिमेंट है एक्स विच गोज टू एक्स एट टी नॉट. एक्स जो है कंटिन्यूअस फंक्शन था, राइट, ऑन ए बी इंटरवल पे, राइट, एंड टी नॉट को ए बी का पॉइंट है, दैट इंप्लाई एक्स टी नॉट जो है फील्ड का एलिमेंट होगा, राइट. सो देयरफॉर एफ टिल्डा ऑफ एक्स को हमने डिफाइन किया बाय एक्स ऑफ टी नॉट. देन वी कैन इजिली प्रूव कि एफ जो है लीनियर है. एंड बाउंडनेस के लिए व्हाट वी डू इज वी कंसीडर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ टिल्डा ऑफ एक्स, दैट वुड बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स ऑफ टी नॉट, राइट, एंड दैट वुड बी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स इन्फिनिटी. बिकॉज ये जो है एक्स ऑफ टी नॉट दैट वुड बी लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी नॉट, राइट. एंड सिंस कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम सुप्रीमम ले या इसका मैक्सिमम लिखे वो बात सेम ही होगी. कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज एंड बाउंडेड डोमेन सी ए बी, राइट. सो देयरफॉर एक्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स ऑफ टी नॉट दिस वुड बी लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी नॉट, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ एक्स इन्फिनिटी, राइट. सो देयरफॉर व्हाट वी हैव इज यहां से अगर हम नॉर्म ऑफ एफ निकालेंगे दैट वुड बी सुप्रीमम ऑफ दिस वैल्यू modulus of f of x upon norm of x and that is less than equals to 1. So which implies that f is bounded. Clear? So now what we have is that f tilde function is linear and bounded and that would imply it belongs to the dual space. Correct? Now, so therefore, now जैसे ही dual space का element आ गया by using the hypothesis which says that कि xn जो है x को weakly converge कर रहा है, right? So we would have is ki f tilde of x n should also converge to f tilde of x, kyunki ye convergence jo hai har ek functional ke theme the dual space, and f tilde bhi dual space ka element hai to iske liye bhi hold karegi, right. So therefore what we have is f tilde of x n converges to f tilde of x, and f tilde of x n kya tha, x n at t naught, and f tilde of x was x at t naught. Therefore what we have is x n of t naught converges to x at t naught, right. And since ye t naught jo hai humne choose kiya tha, this convergence would hold for every t, right. So therefore xn sequence jo hai, this is point wise convergent on interval ab. Clear hai ye? Koi doubt ho to pucho. Next question we have to show that if weak convergence, that is a sequence xn converges weakly to x naught, then that would imply ki limit of norm of xn would be greater than equals to norm of x naught, right. So first case is if x naught is zero, then this is trivially true, right, because equal to zero ho jayega. Now next is if x naught is not equals to zero, then since weak convergence hai, that would imply f of xn ki limit aegi f of x naught, right, limit f of xn is equals to f of x naught for every f belongings to the dual space. Clear? Now agar hum f of x naught ko ab yahan se evaluate karte hain, modulus of f of x naught, that would be equals to limit n tendings to infinity modulus of f of xn using this, right, and modulus of f of xn, this would be less than equals to norm of f into limit of xn n tendings to infinity, right, limit as it is rahega, modulus of f constant hai, not depending upon n, to wo bahar aa jayega. So therefore this would be left with only limit n tendings to infinity norm of xn, right. So therefore what we have is modulus of f of x naught dividing by norm of f, this would be less than equals to limit n tendings to infinity norm of xn. And left hand side hai kya, left hand side is norm of x naught, correct, because this holds for every functional, right. So therefore norm of f x naught agar hum likhte hain, that is supremum of this, right, supremum of modulus of f of x naught upon norm of x naught where f belongings to x dash, correct, and this would be less than equals to norm of x naught because ye single quantity har ek quantity jo hai ye se less than equals to hai, to supremum ye less than equals to hoga, right.
So therefore, what we have is limit of xn is greater than equals to x naught. Is it clear? Or any doubt? You can ask. Limit के नीचे bar क्यों लगाया है? Limit के नीचे क्या लगाया? Bar लगा रखा है. अरे नहीं वो. Yes. नहीं. नहीं ये सिर्फ ये देखने के लिए था कि लिमिट एंडिंग टू इनफिनिटी, ये बार नहीं है, ऐसे ही है. नेक्स्ट वी हैव अ फ्यू क्वेश्चन मोर. वी आर गिवन इफ एक्स एन एंड वाई एन आर सीक्वेंसेस इन द सेम नॉर्म, राइट, नॉर्म स्पेस एक्स, एंड वी आर गिवन कि एक्स एन जो एक्स को कन्वर्ट कर weekly and y जो है y को converge कर रहे हैं weekly, then we have to show that their addition would also converge to x plus y and scalar multiplication भी convergence में hold कर रही है, right? So इसको दिखाने के लिए simplest cases हैं, I'll do roughly. Now see, xn जो है x को converge कर रहा weekly and yn y को converge कर रहा, that would imply f of xn जो है f of x को converge कर रहा and f of yn जो है f of y को converge कर रहा, right? हमें प्रूफ क्या करना है कि एक्स एन प्लस वाई एन जो है एक्स एन प्लस वाई को वीकली कन्वर्ज कर रहा है. सो वी कंसीडर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट. इसको हमें दिखाना है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट. सो फॉर दैट नाउ एफ जो है एक बाउंड डुअल स्पेस का एलिमेंट है, राइट. सो देयरफॉर बाउंडेड एंड लीनियर है, राइट. सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एन प्लस एफ ऑफ वाई एन. सिमिलरली एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, राइट. सो एक्स एन वाली टर्म्स को क्लब कर लें अगर, सो देयरफॉर व्हाट वी हैव इज दिस इज नॉर्म ऑफ एफ एफ एक्स एन माइनस एक्स एंड वाई एन माइनस वाई वाली टर्म एज इट इज. देन ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से दिस इज ऑलवेज टेंड्स टू जीरो, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं सिंस एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है वीकली, एंड एफ ऑफ वाई एन माइनस एफ ऑफ वाई दिस वुड ऑल्सो बी टेंडिंग टू जीरो बिकॉज वाई एन जो है वाई को कन्वर्ज कर रहा है वीकली. सो देयरफॉर दिस मॉड्यूलस वुड टेंड टू जीरो एज एन टेंड्स टू इनफिनिटी, एंड हेंस एक्स एन प्लस वाई एन वुड कन्वर्ज टू एक्स प्लस वाई. Right, easy proof. Similarly, what we can do is we can prove the scalar multiplication part also. Clear hai? Now, next question, which says that let xn and yn be the norm spaces, and T belongs to BxY. BxY belong karne ka matlab hai bounded and linear function from x to y. And xn is a sequence in x, right? If what we are given is, if xn converges weakly to x naught, then show that t of xn should also converge to t of x naught. So for that, given kya hai hume? Xn is a sequence in x and t is in bxy, right? So therefore, t of xn jo hai, wo bhi ek sequence hogi y mein. Sirf yahan pe humne use kya kiya hai? Ki t jo hai, operator hai from x to y. So, अगर एक्स एन सीक्वेंस है एक्स में तो टी ऑफ एक्स एन जो है वो सीक्वेंस होगी वाई में, राइट, रेंज स्पेस में. देयरफॉर अगर हम जी बिलोंग कर रहे ले रहे हैं इन वाई डैश, इफ वी आर टेकिंग अ जी इन वाई डैश बी आर्बिट्री, डुअल स्पेस का हमने आर्बिट्री एलिमेंट लिया, देन जी ऑफ टी एक्स एन निकालते हैं, दैट वुड बी जी ऑफ टी इन टू एक्स ऑफ एक्स एन, दिस इज कंपोजिशन फंक्शन, राइट. एंड जी ऑफ टी को हम डिनोट कर सकते हैं एक फंक्शनल एफ से, right? How? Because t of xn jo hai, that would be in y, correct? T of xn in y and g is in y dash. Y dash mein hone ka matlab kya hai? Ki g be a function from y to the field ki. Functional, right? Hoga. And linear and bounded functional hoga ye, right? Since t of xn jo hai, wo y mein belong kar raha hai. So g of t of xn clearly defined hai, well defined hai. राइट. सो हम जी ऑफ टी एन अगर इस फंक्शन को जी ऑफ टी को वी डिनोट इट एज बाय एफ, देन एफ बी बिलोंगिंग्स टू एक्स डैश. एफ एफ एक्स डैश में क्यों होगा, बिकॉज इसकी जो डोमेन आएगी जी ऑफ टी फंक्शन की, जी ऑफ टी फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, वो एक्स, बिकॉज टी वॉज एन ऑपरेटर फ्रॉम एक्स टू वाई, राइट. सो जब जी ऑफ टी अप्लाई कर रहे हैं सो डोमेन इज एक्स एंड रेंज स्पेस इज फील्ड की, राइट. सो देयरफॉर एफ फंक्शनल इज इन एक्स डैश, right? Similarly, we can write g of tx, that would be equals to g of t of x, and g of t is nothing but f, so therefore this is equals to f of x. Now f jo hai hamare paas ek bounded linear functional hai, right, because f belongs to x dash, to f ek bounded linear functional hoga, right.
एंड दैट वुड इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज करना चाहिए बिकॉज हम ले रहे थे वीक कन्वर्जेंस होल्ड कर रही है राइट इफ एक्स एन कन्वर्जेंस वीकली टू एक्स नॉट एंड वीक कन्वर्जेंस का मतलब डुअल स्पेस के हर एक एलिमेंट के लिए एफ ऑफ एक्स एन शुड कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स नॉट ये एफ ऑफ एक्स नॉट है f of x not a हर जगह right so therefore g of t of xn should converge to g of t of x not right because f क्या था g of t function right so therefore g of t xn should converge to g of t of x not and therefore t of x not converges weakly to g of t of x not ये clear है since g was arbitrary element in the dual space clear है ये Yes, ma'am. कोई डाउट हो तो उसमें जी नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन विच सेज दैट इफ एक्स एन इज अ सीक्वेंस विच कन्वर्जेस वीकली टू एक्स नॉट इन अ नॉर्म स्पेस वी हैव टू शो दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू वाई क्लोजर वेयर वाई इज इक्वल टू स्पैन ऑफ एक्स एन राइट सो टू प्रूव दिस व्हाट वी डू इज लेट अस सपोज कि एक्स नॉट जो है वो वाई क्लोजर में बिलोंग नहीं करता राइट एक्स में तो है राइट सो देयरफॉर एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स माइनस वाई क्लोजर क्लियर नाउ लेट अस सपोज दैट डेल्टा इज अ डिस्टेंस देन डेल्टा वुड बी ग्रेटर देन जीरो एक्स नॉट एंड वाई डैश का अगर डिस्टेंस है एंड एक्स नॉट इज नॉट इन वाई क्लोजर सॉरी वाई डैश वाई क्लोजर सो देयरफॉर द डेल्टा डिस्टेंस जो है एक्स नॉट और वाई क्लोजर के बीच का दैट वुड बी ग्रेटर देन जीरो राइट सो देयरफॉर व्हाट वी हैव इज There would exist a functional. हमने याद है हमने एक theorem की थी lemma किया था कि if this delta is greater than zero, then there would exist a functional f tilde in x dash such that x naught पे वो value delta देगा and y closure के हर एक element पे वो value zero देगा, right? So therefore using that theorem we have this since and this holds क्योंकि ये definition जो ये theorem जो थी hold कर रही थी only on closed subspaces. And by closure जो है closure of a space is closed, right? So therefore ये statement इसके ऊपर apply करेगी. Therefore f हमारे पास एक f tilde functional मिल जाएगा in the dual space such that वो x naught पे value delta ले रहा है and बाकी पूरे set y closure पे zero value दे रहा है, right? Now hence f tilde of xn would be zero because xn क्या था y closure का element, right? y is span of xn right so therefore xn jo hai y closure mein belong karega and jaise hi xn jo hai y closure mein belong kar gaya to f of xn kya ho jayega f tilde of xn ki value kya aa jayegi zero right so therefore limit of n tendings to infinity f tilde of xn should also be zero because y tilde y dash y closure jo again a closed subspace hai right so therefore iski limit isme belong karegi but hame पता है कि एफ टिल्डा ऑफ एक्स एन जो है वो एफ टिल्डा ऑफ एक्स नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है बिकॉज वीक कन्वर्जेंस थी राइट एंड देयरफॉर दैट इंप्लाइज कि एफ टिल्डा ऑफ एक्स नॉट जो है वो दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो व्हिच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज वी हैव प्रूव्ड कि एफ टिल्डा ऑफ एक्स नॉट इज डेल्टा वेयर डेल्टा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर जीरो राइट सो देयरफॉर एक्स नॉट शुड बिलोंग टू वाई क्लोजर कोई डाउट हो तो पूछो No doubt.